नमस्कार, मैं हूं स्वाति वर्मा। देख रहे हैं पब्लिक एशिया न्यूज। वक्त हो चला है उत्तराखंड की बड़ी खबरों का। रुख करते हैं पहली खबर की ओर। उत्तराखंड पर्यटन में पिछले 7 सालों में 60% की बढ़ोतरी देखी गई है। 2018 में 3.68 करोड़ पर्यटन आए थे, जबकि 2023 में यह संख्या बढ़कर 5.96 करोड़ हो गई। कोविड के बाद से पर्यटकों की संख्या में उछाल आया है। एस्ट्रो, एरो, इको और साहसिक पर्यटन में नए नवाचारों ने पर्यटन को बढ़ावा दिया है। वहीं बरसात के मौसम में क्षतिग्रस्त हुई लक्सर की सड़कों की मरम्मत के लिए लोक निर्माण विभाग ने कमर कस ली है। विभाग ने राज्य आपदा मोचन निधि से 22 सड़कों की मरम्मत के लिए लगभग 429.2 लाख रुपए का प्रस्ताव जिलाधिकारी को भेजा है। प्रस्ताव को मंजूरी मिलते ही सड़कों की मरम्मत का काम शुरू कर दिया जाएगा। ये सब CM धामी के निर्देश के बाद मुमकिन हो पाया है। वहीं लक्सर ग्राम विकास अधिकारी गिरफ्तार, आय से 300 गुना अधिक मिली संपत्ति। लक्सर के BDO के खिलाफ विजिलेंस जांच में आय के सापेक्ष 314% संपत्ति अधिक मिली है। पत्नी के नाम करोड़ों रुपए की संपत्ति खरीदी। वहीं मर्सिडीज कार सहित कई अन्य कारें उनकी संपत्ति का हिस्सा थी। आरोपी के विरुद्ध वर्ष 2020 में आय से अधिक संपत्ति का मुकदमा दर्ज हुआ था। विभाग ने कुल 11 वर्ष की संपत्ति का आकलन किया था। इधर NDA सरकार ने की थी शुरुआत, खंडूड़ी के समय हुई थी सख्ती, अब धामी सरकार रहत तैयारी में जुटी। उत्तराखंड राज्य की स्थापना के साथ ही राज्य में जमीनों की खरीद फरोख्त चर्चा में आती गई है। राज्य की NDA तिवारी सरकार ने इस दिशा में पाबंदियों की शुरुआत की थी, जो कि खंडूड़ी सरकार में और बढ़ाई गई थी, और अब धामी सरकार इसे लेकर रहत तैयारी में जुटी हुई है। पांचवें राज्य खेलों के समापन के अवसर पर मुख्य अतिथि मंडल आयुक्त दीपक रावत ने कहा कि वर्तमान में देश प्रदेश में खेल का स्वर्ण युग चल रहा है। उन्होंने सभी खिलाड़ियों को राष्ट्रीय खेलों के लिए शुभकामनाएं दी। इस दौरान बालकों में सर्वाधिक 5 स्वर्ण पदक जीतने पर हरिद्वार के पार को इलेक्ट्रिक बाइक दी गई, तो वहीं बालिका वर्ग में सबसे ज्यादा 4 स्वर्ण पदक अपने नाम करने वाली टिहरी की सोनिया को इलेक्ट्रिक स्कूटी देकर सम्मानित किया गया। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहें पब्लिक एशिया न्यूज़।